भाई इस वीडियो में चार सैमुराई हेयर स्टाइल्स करेंगे, उनमें से दो बिल्कुल क्लीन होने वाले हैं और दो थोड़े से मैसी होने वाले हैं। हालांकि चारों ही हेयर स्टाइल्स बिल्कुल सिंपल हैं, कोई भी कर सकता है। अगर आपके थोड़े छोटे बाल भी हैं, मीडियम लॉन्ग हेयर भी हैं, तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है इस वीडियो में। वैसे भाई मेरा हेयर कट अभी बिल्कुल फ्रेश है, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा टाइम कोई नहीं होने वाला सैमुराई हेयर स्टाइल के लिए। बाय द वे, अगर आपने हेयर कट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आई सेक्शन में लिंक कर दूंगा। दो वीडियोस हैं, एक में अपना हेयर कट दिखाया है, मैंने हेयर कट के बारे में बताया, और दूसरे वीडियो में पूरा हेयर कट का वीडियो, सैलून का बिल्कुल अनकट। और भाई चारों वीडियोस देखने के बाद कमेंट में जरूर बताना आपका फेवरेट कौन सा था। वैसे पर्सनली मेरा फेवरेट थर्ड हेयर स्टाइल है, बाकी आपका जो भी हो कमेंट में जरूर बताना। तो भाई पहला हेयर स्टाइल अपन स्टार्ट करेंगे हाफ पोनीटेल से, पर इस हेयर स्टाइल में आपको खास ध्यान देना है अपने पार्टीशन के ऊपर। तो आमतौर पे आप हाफ पोनीटेल ऐसे बनाते हुए कान के ऊपर से पार्टीशन लेते हुए, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका पार्टीशन है, आधे बाल ऊपर आधे बाल नीचे। हालांकि ये बिल्कुल सही है, पर इस पर्टिकुलर सैमुराई हेयर स्टाइल के लिए पार्टीशन को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, और इंस्टेड आप पार्टीशन की यहाँ से स्ट्रेट लाइन करो, आपको स्लैंटेड लाइन करनी है। इससे होगा ये कि आपके पोनीटेल में थोड़े कम बाल आएंगे और नीचे थोड़े ज़्यादा बाल रहेंगे, तो आपकी पोनीटेल थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगेगी। थोड़े से उसमें मतलब जो बल्क रहता है पोनीटेल का वो थोड़ा कम होगा, तो थोड़ी एस्थेटिक हेयर स्टाइल बनेगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, सारे बाल एक बार अपने पीछे लेने, कान के आगे से पार्टीशन स्टार्ट करना और ऊपर की तरफ अपने थंब को मूव करना है, तो आपका पार्टीशन कुछ ऐसा मिलेगा आपको। सी द स्लैंटेड लाइन, ऐसा आपको चाहिए। और इसके बाद क्योंकि ये सैमुराई हेयर स्टाइल है और सैमुराई हेयर स्टाइल्स हमेशा बहुत क्लीन रहते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे, अनलाइक बाइकिंग हेयर स्टाइल्स, तो आपको थोड़ा सा अगर आपके बाल कोम नहीं है तो आप सही से इनको कोम भी कर सकते हो अपने ऊपर वाले बालों को। इनको पहले कोम करना ज़रूरी है क्योंकि नीचे वाले बालों को अपन बाद में भी कर सकते हैं। तो इनको मैं फटाफट से कोम कर लेता हूँ थोड़े से। और इन बालों को पोनी टेल में बांधने से पहले आपको एक चीज़ करनी है, आपको आगे से फ्लिक्स निकालने हैं अपने बालों के। अब आपको कितने बाल निकालने हैं और कहाँ से निकालने हैं, पोजिशन और नंबर ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स ध्यान से देख लेना भाई, क्योंकि इस पे ही पूरी हेयर स्टाइल डिपेंड करती है, इसके अलावा कुछ है भी नहीं इस हेयर स्टाइल में। तो आपको अपने मिडल से थोड़ा सा आजू बाजू दोनों साइड से फ्लिक्स निकालने हैं, बहुत कम कम बालों की, बहुत ज़्यादा बाल मत निकालना, नहीं तो हेयर स्टाइल का वाइब खराब होगा। जैसे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा बाल नहीं है, थोड़े से ही बाल हैं, थोड़ा साइड से निकालना जिससे आपकी आंखों के आगे ना आए आपके ये फ्लिक्स, क्योंकि आंखों के आगे आएंगे तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हेयर स्टाइल है। जो हेयर स्टाइल आप पहन ही नहीं सकते उसको बना के क्या फ़ायदा। तो कुछ इस टाइप से आपको करना है। अब यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा बाल निकाल दोगे फ्लिक्स में तो यहाँ पे अलग से पार्टीशंस क्रिएट हो जाएंगे और वो आपको नहीं चाहिए। तो थोड़े से बाल निकालना, थोड़े से आप साइड से भी निकाल सकते हो इफ यू वॉन्ट, दैट शुड बी इनफ। और जब आप अपने पोनी टेल को टाई करो रबर बैंड से, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है तो जब आप अपने पोनी टेल को टाई करो रबर बैंड से, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितना टाइट हो सके उतना टाइट आपको अपनी पोनी टेल को रखना है, जिससे कि वो अपनी पोजीशन होल्ड कर सके। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये पोनी टेल अपने हेड के पीछे नहीं बल्कि ऊपर ही बनाई है, क्राउन एरिया के आसपास। सी इट्स अबव द हेड नॉट बिहाइंड इट। तो अगर मैं इसको बहुत लूज टाई करूँगा तो ये अपनी पोजीशन छोड़ देगी और पोनी टेल बिल्कुल नीचे आ जाएगी और पूरी हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगी। जो हमको चाहिए वो हेयर स्टाइल रही नहीं, तो फ़ायदा क्या है। अब यहाँ पर आपकी बेस हेयर स्टाइल बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल सिंपल है, मैसी वाली है पर सिंपल है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसी लगेगी आपकी हेयर स्टाइल। अगर आपके बालों में थोड़ी लेयर्स ज़्यादा हैं तो आपके पोनी टेल में भी ज़्यादा लेयर्स नज़र आएंगे और थोड़ा टेक्सचर नज़र आएगा। मेरे बालों में इतने नहीं है पर ठीक है, जैसा भी जो आपके बाल हैं, जैसे आपके हेयर स्टाइल हैं। तो ये थी आपकी पहली हेयर स्टाइल। पर अगर इसी हेयर स्टाइल को मैं हाफ पोनी टेल की जगह फुल पोनी टेल में कन्वर्ट कर दूँ तो वो बन जाएगी अपनी दूसरी हेयर स्टाइल। ध्यान रखना भाई, फुल पोनी टेल अपने आप में बहुत एक थोड़ी फेमिनिन टाइप की हेयर स्टाइल कह लो या कुछ भी कह लो, हर किसी के ऊपर फुल पोनी टेल अच्छा नहीं लगता, खासकर लड़कों के ऊपर। तो भाई अपने हिसाब से देख के बना के जाना बाहर, अगर आपके ऊपर अच्छा लगे तो ही बनाना, क्योंकि मुझे पर्सनली अपने ऊपर फुल पोनी टेल अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी आपने मेरी किसी वीडियो में भी नहीं देखा होगा मुझे फुल पोनी टेल पहनते हुए।
पर फिलहाल के लिए फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको फुल पोनीटेल बना के रखता हूँ। और इस बात पे खास ध्यान देना कि मैं कहाँ पे अपने बालों को टाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे अपने बालों को टाई नहीं करूँगा। आमतौर पे तो आप अपने पोनीटेल को यहाँ टाई करोगे, पर जब आप सैमुराई हेयर स्टाइल्स बनाओगे तो अपने पोनीटेल को सर के ऊपर टाई करना है। ये बहुत एक की डिफरेंस है आम फुल पोनीटेल में और सैमुराई वाले फुल पोनीटेल में। तो इसको मैं यहाँ टाई कर लेता हूँ। जब आप ये हेयर स्टाइल बनाओ तो अपने बालों को सही से कोम ज़रूर कर लेना। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी फुल पोनीटेल पसंद नहीं है तो मैंने वैसे ही बना लिया। बट दिस इज़ हाउ द हेयर स्टाइल लुक्स। अगर आपका हेड शेप यहाँ से सही है, सही तो क्या मतलब हेयर स्टाइल के लिए सही है, तो ये हेयर स्टाइल आपके ऊपर बहुत अच्छी लग सकती है विदाउट अ डाउट। बाकी आप देख सकते हो कैसी हेयर स्टाइल है ये। ड्रॉ में मतलब लगभग कुछ ऐसा लुक आएगा। तो भाई अगर आप फुल पोनीटेल कर सकते हो तो ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई करके देखना। मैंने काफ़ी लोगों को देखा इंस्टाग्राम पे, उनके ऊपर फुल पोनीटेल बहुत प्यारी लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। बाकी इस बात का खास ध्यान देना कि पोनीटेल आपको सर के ऊपर बनानी है, क्राउन एरिया से भी थोड़ा सा ऊपर ही रखो तो ठीक है, पीछे मत बनाना, अदरवाइज दैट विल बी अ सिंपल पोनीटेल। अगेन जितने आपके बालों में लेयर्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेक्स्चर आएगा पोनीटेल का, पर रॉ में कुछ कुछ ऐसा लुक आएगा। ये थी आपकी दूसरी हेयर स्टाइल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक, कोई भी कर सकता है। वैसे भाई अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर देना। इस चैनल पे आपको सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की मैंस हेयर, फैशन और ग्रूमिंग वीडियोस मिलेंगी, इंक्लूडिंग सम लॉन्ग हेयर स्टाइल्स जैसा इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो भी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना भाई। थर्ड हेयर स्टाइल को अपन बिल्कुल क्लीन रखेंगे और इसमें पोनीटेल नहीं करेंगे, अपन हाफ नॉट से टाई करेंगे अपने बालों को। तो अगर आपको नहीं पता कि हाफ नॉट कैसे बनाते हैं, लेट मी एनलाइटन यू। इसमें पार्टीशन आपको बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे आप नॉर्मली हाफ नॉट्स के लिए लेते हो, अपने कान के ऊपर से और बिल्कुल पीछे पैरेलल टू द ग्राउंड, ये पार्टीशन आपका रहेगा। नीचे थोड़े कम बाल छोड़ने हैं आपको और अपने बन में ज़्यादा बाल लेने। एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक, दिस इज़ द पार्टीशन। बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट लाइन लिया है मैंने, और अगेन अपने बालों को कोम कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर जब आप ये हेयर स्टाइल करो हाफ बन हाफ नॉट वाली, तो आपको अपने बाल बिल्कुल पीछे ही टाई करने हैं, अपने सर के ऊपर टाई नहीं करने। तो हाफ नॉट बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले अपने रबर बैंड को अपने बालों के ऊपर स्लाइड करना है जैसे आप पोनी टेल में करते हो, और उसके बाद आपको घुमा के रबर बैंड को ऊपर ले लेना है। ट्विस्ट करने के बाद इस हाथ से अपने बालों को पकड़ो, पोनी टेल को, और रबर बैंड को स्लाइड कर दो अपने बालों के ऊपर थोड़ा सा, बिल्कुल मतलब पूरे पोनीटेल को नहीं निकालना, थोड़े से बाल ऊपर निकालने। एंड देयर यू हैव इट, अ हाफ नॉट। तो कुछ इस टाइप से आपको अपने हाफ नॉट बनानी। अगेन बहुत ही सिंपल बेसिक सैमुराई हेयर स्टाइल है, पर कुछ लोगों के ऊपर बहुत प्यारी लगती है, अकॉर्डिंग टू फेस एंड हेड शेप ऑफ कोर्स। तो आप ये जरूर ट्राई करना भाई, सैमुराई हेयर स्टाइल्स में ही आती है। एंड दिस इज द फाइनल हेयर स्टाइल। तो अगर आपको थोड़ी क्लीन टाइप की हेयर स्टाइल चाहिए पर अपने बालों को शो ऑफ भी करना है, दिस विल बी परफेक्ट। अब आप इस हेयर स्टाइल में भी ऐड ऑन कर सकते हो फ्लिक्स को, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। वैसे जब भी आप अपने फ्लिक्स निकालो तो हमेशा ध्यान रखना कि उनको बालों को बांधने से पहले निकाल लो, अदरवाइज आपको अपने बाल बिना काम खींचने पड़ेंगे अननेसेसरीली, उसका कोई फायदा नहीं है। बाल डैमेज भी होते हैं और खींचते भी हैं, हो सकता है टूट भी जाए। अगर आप इस हेयर स्टाइल में फ्लिक्स निकालोगे तो दिस इज हाउ इट विल लुक, लुक्स प्रीटी नीट इफ यू आस्क मी। पर जैसा मैं बोल रहा था भाई, थर्ड हेयर स्टाइल मेरा पर्सनल फेवरेट है, एंड दिस इज द वन, ये मेरा पर्सनल फेवरेट हेयर स्टाइल है चारों में से। पर फोर्थ हेयर स्टाइल देखने के बाद जरूर कमेंट में बताना आपको कौन सा बेस्ट लगा। तो फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए अपन एक बार दोबारा हाफ पोनी टेल करते हैं, पर इस बार उसको बिल्कुल क्लीन रखेंगे और पार्टीशन भी ज़्यादा करेंगे। तो पोनी टेल में अपने थोड़े ज़्यादा बाल रहेंगे, पर अगेन उनको टाई क्राउन एरिया पे ही करना है। तो मैं पार्टीशन ले लेता हूँ जैसा हम लेते ही हैं हाफ बन में, और जैसा मैं कह रहा था कि क्राउन एरिया पे ही टाई करना है बालों को, नीचे नहीं करना है, ऊपर ही टाई करना है, और जितना टाइट हो सके उतना टाइट इनको बांधो, अदरवाइज आपकी पोनीटेल नीचे आ जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। भाई ये हेयर स्टाइल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये हेयर स्टाइल ऐसी है कि इसका लुक बहुत ज़्यादा आपकी बियर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बियर्ड लंबी है, अच्छी है, स्ट्रेट है, तो ये हेयर स्टाइल आपको बहुत सूट करेगी, अदरवाइज आप लड़की जैसे लगोगे, यू विल लुक फेमिनिन। तो भाई
ट्राई करने के बाद भी इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना कि आप फेमिनिन नहीं लग रहे हो। आपके हो सकता है आपके फेस के ऊपर अच्छी लग रही हो बट यू लुक मोर लाइक अ गर्ल, तो वो मत होने देना भाई, इस चीज़ का खास ख्याल रख। तो भाई ये थी चार बिल्कुल सिंपल सैमुराई हेयर स्टाइल्स। अगर आप अभी बाल लंबे कर रहे हो, मिड वे हो, ज़्यादा लंबे नहीं है, तो भी आपको करने में आसानी रहेगी। पर अगर आपके बाल ऑलरेडी बहुत लंबे हो चुके हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर डिटेल्ड एंड मोर कॉम्प्लेक्स, आप ये सैमुराई हेयर स्टाइल वाली वीडियो देख सकते हो। बहुत प्यारा हेयर स्टाइल है। विद दैट सेट आपको सारे यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और पूरा हेयर स्टाइल का वीडियो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से और भी बहुत सारे हेयर स्टाइल देख सकते हो। एंड आई विल सी यू अराउंड अल्फा।